इंडियन न्यूज के हिंदी बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चामोशी से चंद्रपुर तक जो नागपुर का निकटतम मार्ग है, चामोशी से हरनघाट राज्य मार्ग पर हरनघाट ब्रिज से लेकर चामोशी तक जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। चूंकि सूरजगढ़ की क्षमता से अधिक खनिज ले जाने वाले भारी वाहन इस सड़क से गुजरते हैं, इसलिए अब उस सड़क पर 1500 गड्ढे हैं। नागरिकों ने पूछा है कि अब कहां से चले, इसलिए एक बड़ी दुर्घटना के बाद इस सड़क की मरम्मत की जाएगी या नहीं, यह सवाल युवा संकल्प बहुउद्देशीय संगठन के अध्यक्ष राहुल विरागड़े ने प्रशासन के सामने उठाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हरनघाट पुल से चामोशी तक 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्टेट हाईवे पर बारिश के पानी के कारण निचले इलाकों में पानी बह रहा था तो कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया गया है 15 साल, लेकिन कुछ महीने पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग ने डामर प्लांट से चामोशी तक तारकोल बिछाकर बाकी सड़क की मरम्मत कर दी थी, जिससे उस मार्ग पर यातायात तो चालू है, लेकिन अब सूरजगढ़ में लौह अयस्क से अधिक वजन लेकर भारी वाहन गुजर रहे हैं। यह मार्ग और भारी बारिश के कारण यह मार्ग अवरुद्ध है। 1500 गड्ढे अब उस मार्ग पर हैं। वाहन मालिक पूछ रहे हैं कि कहां से चले इस मार्ग पर, इस भारी यातायात को रोके, अन्यथा भले ही यह सड़क नहीं हो, सूरजगढ़ ट्रकों के कारण सड़कें सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसके लिए मूल हरनघाट से चामोशी 27 किलोमीटर है। कई बार मांग की गई कि मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाए, लेकिन इस मार्ग पर डोटकुली, घरगांव, रमाला, मोहली, फरदा, मार्किणा, भेंडा, मुरखाला सहित कई छोटे बड़े गांव हैं। उस सड़क से दिन रात चामोशी मुख्यालय आना जाना है, लेकिन सड़क गड्ढों से भरी होने के कारण दुर्घटना की संभावना देखे, इसलिए उस सड़क पर यात्रा करना खतरनाक है। युवा संकल्प बहुउद्देशीय संस्था ने 12 सितंबर को प्रशासन को बयान देकर इस सड़क के डामरीकरण, निर्माण और मरम्मत की मांग की थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। नागरिकों का मानना है कि जिन्हें सड़क बंद करनी पड़ेगी और सड़क पर ही पेड़ लगाओ। स्थानीय विधायक डॉक्टर देवराव होली ने भी चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में इस गड्ढा युक्त सड़क को दूर किया जाए, नहीं तो भेंडला में सड़क जाम आंदोलन किया जाएगा। राहुल वैरागड़े, युवा संकल्प संस्था अध्यक्ष। आपण पाहत आहोत, चामोर्शी मूल हायवे आहे, या ठिकाणी बरेचसे गड्ढे पडलेले आहे। 15 किमी मीटरचा रोड आहे आणि या ठिकाणी छोटे मोठे तर भरपूर मोठे गड्ढे आहे। आपण या ठिकाणी पाहू शकता एवढा मोठा गड्ढा पडलेला आहे। या ठिकाणी डटकुली, वाघोली असे बरेचसे अनेक गावं येत असतात आणि मुख्यालयाचे ठिकाण चामोर्शी तालुका असल्यामुळे कधीही रात्रीला येणं जाणं करावं लागतो, त्या ठिकाणी जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे। तरी प्रशासनानी याच्याकडे तात्काळ लक्ष दिला पाहिजे आणि बऱ्याचशा मागण्या आपण पूर्ण केले पाहिजे। आणि प्रशासनाला कधी जाणीव येणार, या ठिकाणी अपघात झाल्यानंतर जाणीव येणार का, हा खूप मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आपण पाहत आहोत, आता आपण दाखवणारच आहोत, इथून लोहा सूरजगडसाठी येणाऱ्या जाणाऱ्या टरका चालत असतात, तर ते तात्काळ या ठिकाणी बंद करण्यात याव्या। या ठिकाणी सिमेंट कॉन्क्रीट सीसी रोड तयार करण्यात यावा, जेणेकरून या ठिकाणी गड्ढे होणार नाही आणि प्रशासन याच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे। तरी तात्काळ रोड चालू करण्यात यावा आणि आपल्या सगळ्या मागण्या पूर्ण करण्यात यावा, ही आपणास विनंती करीत आहो। चामोशी से BCN न्यूज के लिए बबन बडट्टीवार की रिपोर्ट। सावनेर थाना अंतर्गत पाटन सावंगी बीच के पाटन सावंगी अदासा बाईपास स्थित महेंद्र धार्मिक के घर के पीछे किसी अज्ञात ने नवजात शिशु को रात के अंधेरे में छोड़ मानवता को शर्मसार किए जाने की घटना उजागर हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 11 अक्टूबर की सुबह सवेरे सैर पर निकली कुछ महिलाओं को पाटन सावंगी अदासा बाईपास पर स्थित महेंद्र धार्मिक के घर के कोने के सुनसान जगह से नवजात शिशु के रोने की आवाजें आने से उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर देखा तो वहां एक नवजात बिना कपड़े के जमीन पर रोता बिलखता दिखाई पड़ते ही उन्होंने इसकी खबर तुरंत पाटन सावंगी चौकी के इंचार्ज API शिवाजी नागवे को दी। घटना की खबर मिलते ही API शिवाजी नागवे, अपने सहयोगी कर्मी अंकुश मूले, माणिक शेरे, अशोक निस्ताने आदि के साथ घटनास्थल रवाना हुए और घटनास्थल मुआयना कर हितज्योति फाउंडेशन के तेज बंसोड़ की सहायता से उक्त नवजात शिशु को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन
सावंगी ले जाकर उसकी जांच कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर नवजात शिशु को आगे की देखभाल हेतु मेयो हॉस्पिटल नागपुर रवाना किया। सूत्रों की माने तो उक्त नवजात शिशु का जन्म प्रेम संबंध अथवा अनैतिक संबंधों से होने के कारण उसे निर्दयता पूर्वक रात के अंधेरे में लाकर छोड़े जाने की कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सावनेर पुलिस स्टेशन के थानेदार रविंद्र मानकर के मार्गदर्शन में एपीआई शिवाजी नागवे और उनकी टीम आसपास के सुरक्षा कैमरे आदि की जांच कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। एनबीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट। सावनेर थाना अंतर्गत आगामी नवरात्रि, दुर्गा उत्सव, दशहरा और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन शांति पूर्वक सम्पन्न हो, इस वास्ते शांतता समिति की बैठक संपन्न हुई। सावनेर उप विभागीय पुलिस अधिकारी बापू रोहम की अध्यक्षता में और सावनेर थाने के थानेदार रविंद्र मानकर की प्रमुख उपस्थिति में सावनेर पुलिस स्टेशन के सभागृह में संपन्न शांतता समिति की बैठक में सावनेर थाना अंतर्गत के सभी पुलिस पाटिल, सार्वजनिक दुर्गा उत्सव मंडल के पदाधिकारी, पत्रकार बंधु आदि की उपस्थिति में संपन्न इस सभा को संबोधित करते हुए थानेदार रविंद्र मानकर ने राज्य शासन, जिलाधिकारी कार्यालय और नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं की जानकारी को देकर उक्त नियमावली अनुसार ही दुर्गा उत्सव शांतता पूर्वक मनाने की अपील की। वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोहम ने कहा कि हमारा देश सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है। यहाँ सभी धर्म और जाति के लोग अपने अपने त्योहार सौहार्दपूर्ण रूप से मनाते हैं। सार्वजनिक उत्सवों में कभी कभार अनुचित घटनाएं घटित होती हैं, जिसका खामियाजा आयोजन मंडलों को उठाना पड़ता है। इसलिए ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे पुलिस को कार्रवाई करने हेतु बाध्य होना पड़े। वहीं उपस्थित सार्वजनिक दुर्गा उत्सव मंडलों के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी, जिसे शीघ्रता से दूर करने की मांग की। वहीं कुछ विसर्जन स्थानों पर भी प्रकाश और सुरक्षा के इंतजाम आवश्यक होने की बात कही। इस अवसर पर सावनेर पुलिस स्टेशन संभाग के सभी पुलिस पाटिल, सार्वजनिक दुर्गा उत्सव मंडलों के पदाधिकारी, पत्रकार तेज सिंह सावजी, किशोर ढुंडेले, लक्ष्मीकांत दिफ्टे, नीलेश पटेल, दैनिक निर्भीण के संपादक पांडुरंग भोंगाड़े प्रमुखता से उपस्थित थे। सभा का संचालन व आभार गुप्तचर विभाग के हवलदार सुनील तलमले ने माना। शासन त्याच्यावर निधी खर्च करत असतो, ज्याच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत ते स्वतःचे पैसे तिथे स्वतःला वाचवण्याकरता खर्च करत असतात। खूप मोठ्या प्रमाणात एक आपण तिथे बनवली एक इंडस्ट्री आहे। जर आपण पूर्णपणे कायद्याचं पालन केलं आपल्यावर ती वेळ येत नाही। आता आम्ही नोकरीच्या निमित्तानं तुमच्या गावात आलेलो आहे, हे गाव तुमचं आहे। आपल्या गावातील काही लोक नोकरीच्या निमित्त बाहेर जातात, सरस्वतीला परत येत असतात। मी झालं, मानकर साहेब झालं किंवा जो पोलीस स्टाफ आहे तिथं तुमच्या त्या गावामध्ये कुठेतरी प्लॉट घेऊन घर बांधण्याकरता मी आलो। आमची जी जबाबदारी आहे ती कायद्याची अंमलबजावणी करणं। आता जो माणूस चुकल, जो माणूस कोणत्या प्रकारचं गंभीर कृत्य करल, त्याच्यावर कायद्याच्या प्रमाणे कारवाई करायची आमची जबाबदारी आहे। व आम्हाला काही असं काही पंचांग म्हणून बघावं लागत नाही। तक्रार आली ती तक्रार नोंदून घ्यायची, कायद्याचं बघायचं, आमच्या वरिष्ठांची चर्चा करायची, फिलहाल हिंदी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।